जी, मेरे बेटे कबीर ने इस शादी से इनकार कर दिया है। उनकी बातों और आंसुओं से तो ऐसा नहीं लगता है कि वो गुनहगार है। वो तो हमारी जिंदगी से अनजान थे। अम्मी, तो तुम किस खानदान की महारानी हो और तुम्हारे माँ बाप का क्या पता है? तुम्हें इतना भी नहीं पता वो लोग लंदन में होंगे। वो लंदन या अमेरिका में, लेकिन उनकी बेटी को तो किसी और के घर पे मुंह छुपाना पड़ रहा है ना। आपने मुझे बुलाया माँ? कबीर, क्या भाई बहन आपस में भिड़ रहे हो? इकलौती बहन बची है तुम्हारी, उसे भी खोना चाहते हो? माँ, घर का माहौल नंदिनी ने खराब किया हुआ और बदनाम वो समायरा को कर रही। समायरा से तुम उसकी तुलना कर रहे हो? सगी बहन है तुम्हारी वो। माँ, बात सही गलत की हो रही है यहाँ पर, सगे और पराए की नहीं। उसे क्या जरूरत थी भैरवी को बीच में लाने की? खुश हो जाओ तुम, भैरवी अब बीच में नहीं आएगी। जो बात शुरू हुई थी वो वही खत्म हो चुकी है। लेकिन नंदिनी को क्या जरूरत है चौधरायन बनने की? हर बात में वो लजती है। क्योंकि तुम उस समायरा को सर पे लिए बैठे हो। नंदिनी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कबीर। अब उसकी पसंद से मैं अपनी जिंदगी तो नहीं जीने वाला ना। उसकी क्या, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी मर्जी से ही चलेगी। मेरी पसंद और नापसंद की भी तुम्हें क्या पड़ी है? माँ, मैं अपना फैसला सुना चुका हूँ, फिर इस बात का इतना बड़ा इशू क्यों बनाया जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई नहीं बना रहा है, ये तो तुम और समारा ही बना बिगाड़ रहे हो। माँ, मेरी पसंद के पीछे इतना प्लीज मत पड़िए कि मेरे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाए। देखो कबीर, हम सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहते हैं, लेकिन तुम्हें तो उस समायरा की हवा लगी है। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, हमें क्या पड़ी है। मतलब आप समायरा को लेकर मुझे अपने से अलग करना चाहती हैं? अब और कितने टुकड़े कितने हिस्सों में बटूं मैं? मैं तो बस इतना पूछना चाहती हूँ, तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? मां, शादी किससे करनी है ये मैं फैसला ले चुका हूँ, लेकिन कब करनी है मैं ये नहीं बता सकता। यही तो मैं जानना चाहती हूँ, तुम दोनों शादी कब करोगे? मां, इतनी जल्दी क्या है, हम लोग एक दोस्त की हैसियत से रह रहे हैं, जब शादी करनी होगी कर लेंगे। कबीर, एक बात बताओ, क्या समायरा के साथ तुम खुश रहोगे? पता नहीं। और समायरा तुम्हारे साथ खुश रहेगी? अब इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ, ये तो आपको उसी से पूछना हो। समायरा से कह देना भैरवी अब उसके बीच में नहीं है, खुश हो जाएगी। और हाँ, तुम दोनों को अब शादी करनी पड़ेगी, वो इस तरह मेरे घर में नहीं रह सकते। जोया, जानती हो कभी कभी मुझे लगता है कि मैं दुनिया के तौर तरीकों से बिल्कुल अनजान हूं। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि जब भी मां ये दुनियावी रस्मों रिवाजों की बात करती है, मेरा उनसे झगड़ा हो जाता है। अब उनकी बातें उनकी जिंदगी के तजुर्बों से हैं, वो तो तुम्हें ही समझनी होंगी। मेरी माँ होके भी वो मेरे दिल की आवाज नहीं सुन सकती। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, वो सुनकर भी अनसुना करती होंगी, क्योंकि उन्हें अपने ख्वाब पूरे करने होंगे जो उन्होंने तुम्हारे लिए देखे हैं। लेकिन मेरे भी तो कुछ सपने हैं। बस यही तो सारे झगड़े की जड़ है, दोनों माँ बेटी के सपने एक दूसरे से टकरा रहे हैं। अच्छा जोया, एक बात बताओ, एक अकेली औरत का इस दुनिया में जीना बहुत मुश्किल है क्या? हाँ, बहुत मुश्किल है। मेरी अम्मी ने अपनी सारी जिंदगी अकेले ही गुजारी है और उन्हें काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लेकिन मुझे सब लोग इतने पराए नजर आते हैं कि मैं किसी रिश्ते में नहीं बनना चाहती। पराए लोग ही तो अपने बनते हैं, मेल मुलाकात से, बातें करने से एक दूसरे की जरूरत महसूस होने लगती है। अच्छा जोया, तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़का तुम्हारे करीब आया है कभी? नहीं, कभी नहीं। लेकिन अगर ऐसा होगा
तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही बताऊंगी। अच्छा, इतना भरोसा करने लगी है मुझ पे? अब हम दोस्त जो बन गए हैं। हाँ, और हमारी जिंदगी एक जैसी है ना। चलो इसी बात पे एक ठुमरी सुनाऊं तुम्हें। हाँ हाँ सुनाओ ना। धन्यवाद। कबीर, तुम्हें मेरे बिहेवियर में कोई कमी नजर आती है? तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? बिकॉज मुझे लगता है कि तुम्हारी मम्मा और तुम्हारी सिस्टर को मेरे अंदर बहुत सी कमियां नजर आती है। समयरा, कमी हर इंसान में होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। लेकिन ये बात तुम्हारी सिस्टर को कौन समझाएगा? मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि अगर तुम दोनों के बीच में ऐसे ही नफरत बनी रही तो आगे चलकर क्या होगा? कबीर, मैं अपनी गलती मानने को रेडी हूँ, लेकिन मुझे पता तो चले कि मेरी गलती क्या है। प्लीज अभी ये सब भूल जाओ, छोड़ो ये सब बातें। एक ही घर में रह कर के ऐसी बातें होंगी तो ये सब अच्छा नहीं लगता। कबीर, कल हम लोग शादी करने वाले हैं, और अगर यही हाल रहा
तो ये लोग मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। समायरा, तुम लोगों के बीच में मैं पिस रहा हूँ। यहाँ तुम मुझे बोलती हो, वहाँ वो सुनाती है मुझे, क्या करूँ मैं? मैं तुम्हें सुना नहीं रही हूँ कबीर, मैं सिर्फ अपनी पोजीशन बता रही हूँ कि आज मेरे साथ क्या हो रहा है और कल मेरे साथ क्या होने वाला है। अच्छा ठीक है, तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए, बोलो। तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना, कहीं ऐसा ना हो कल को तुम अपने घर वालों की बातों में आकर मुझे छोड़ दो। तुम्हें अब तक मेरे ऊपर भरोसा नहीं हुआ है, इतना वक्त हो गया है। खून के रिश्ते कब एक हो जाएं कुछ पता नहीं चलता। समायरा, मैं अपनी माँ को कह चुका हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो ये डाउट क्यों आ रहा है तुम्हारे मन में? बस यही सुनना था मुझे कबीर। देखो ना कबीर, हम दोनों बिछड़े हुए दोस्त हैं, हमें गॉड ने मिलवाया है, वरना लंदन से कौन वापस आता है? I know. ये सब डेस्टिनी का खेल है, शायद डेस्टिनी भी यही चाहती है। कितनी यादें जुड़ी हम दोनों की एक दूसरे के साथ, और सबसे बड़ी बात, दो अच्छे दोस्त ही अच्छा जीवन साथी बन सकते हैं। पता है, बिना जान पहचान के मैं किसी भी लड़की के साथ शादी करने की सोच भी नहीं सकता। कबीर, मेरी आंखों में देखो, मैं सिर्फ तुम ही तुम हो और मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है, वरना कोई रिश्ता जुड़े या टूटे आई डोंट केयर। माँ, आपने कबीर से बात की? क्या बोला वो? शादी करेगा और क्या करेगा, मैंने साफ साफ कह दिया कि अब ऐसे नहीं रह सकता, रहना है इस घर में तो शादी करनी पड़ेगी। तो फिर उसने क्या कहा? आपस में तय करेंगे, लेकिन मैं उस लड़की को दोस्ती के आड़ इस घर में नहीं रहने दूंगी। माँ, लेकिन ऐसे में कबीर घर छोड़कर चला गया तो? छोड़कर जाता भी है तो समझ लूंगी कि मेरे कोख से मैंने उसे जन्म नहीं दिया है। लेकिन माँ, मुझे लगता है कि समायरा ना इस घर को खुद छोड़कर जाएगी और ना ही कबीर को छोड़कर जाने देगी। जब उसे हमारी पसंद नापसंद से कोई लेना देना नहीं है, हमारी बातों को कोई मतलब ही नहीं है, तो करने दो उसे अपनी मर्जी से जो करना है। माँ, लेकिन बर्बादी तो इस घर की होगी ना? बर्बादी लिखी है तो होकर ही रहेगी। माँ, लेकिन मैंने तो उसे साफ साफ कह दिया है कि भैरवी से अच्छा जीवन साथी उसे कोई मिल ही नहीं सकता। फिर क्या बोला? कुछ नहीं, कह रहा था कि ऐसी क्या खूबी है उसमें और तुमने ऐसा क्या देख लिया। मैंने उसे कहा कि वो नहीं समझ पाएगा क्योंकि अभी समायरा के रंग में रंगा हुआ है वो। सच कहूं नंदिनी, मुझे कबीर से ये उम्मीद नहीं थी। हाँ, मुझे तो लगता है ये सब समायरा का सिखाया हुआ है। जब से वो यहाँ पर आई है ना, कबीर को उसने अपने मुट्ठी में कर रखा है। लेकिन उसे अपने अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। माँ, पहचान होती तो समायरा को अब तक बाहर निकाल चुका होता घर से। नंदिनी, बेटा, मेरे सब बच्चों ने अपनी अपनी राह देख ली सिवाय तुम्हारे। हाँ, ये सब भटक गए, भगवान ही इन्हें सद्बुद्धि दे सकता है। अब तो भगवान भी हमसे रूठ कर बैठे हैं, उन्होंने भी हमारा साथ देना बंद कर दिया है। माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप कबीर को समायरा से शादी करने से प्लीज रोकिएगा। कैसे रोक सकती हूँ बेटा? उसने खुद आकर मुझसे कहा है कि वो समायरा से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है, और अब बहुत देर हो चुकी है। माँ, अगर आप चाहो तो आप उसे रोक सकती हो, क्योंकि अगर गलती से भी समायरा इस घर की बहू बन गई ना, तो वो इस घर को खंडर बना देगी। कबीर को रोकना मतलब उसका ये घर छोड़कर जाना, और अब किसी के घर छोड़कर जाने की जिम्मेदारी मैं अपने माथे पर लेकर नहीं जी पाऊंगी। अगर समायरा इस घर में आई तो आपको जीने नहीं देगी। मेरा क्या है बेटा,
मेरी तो दोनों तरफ से हार है। मैं तो बस आशीर्वाद दे सकती हूँ और कुछ नहीं। समायरा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, कभी यूं ही अपनी लाइफ के बारे में सोच रही हूँ कि कहाँ से शुरू किया था और कहाँ आ गई हूँ। जस्ट रिलैक्स, तुम इतनी टेंशन मत लिया करो। टेंशन तो है ना कबीर, और मुझे लगता है इन सारी टेंशन्स का जवाब ना एक ही है, हमारी शादी। एक बार शादी हो जाएगी ना तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। तुम हर वक्त शादी शादी करना बंद करो प्लीज, हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। क्यों, तुम अभी शादी के फेवर में नहीं हो? देखो शमायरा, हमारे पास दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि अगर हमें इस घर में रहना है तो हमें शादी करनी पड़ेगी, ऐसा माँ कहती है। लेकिन अगर हमें अभी शादी नहीं करनी तो हमें घर से बाहर जाकर रहना पड़ेगा, वो भी लिव इन रिलेशनशिप। लेकिन कबीर, मेरे और नंदिनी के बीच सारा झगड़ा इस घर में बने रहने के लिए, और तुम मुझे यहीं से जाकर कहीं बाहर रहने के लिए बोल रहे हो। एक मिनट, कहीं तुमने नंदिनी से बदला लेने के लिए मुझसे प्यार का नाटक तो नहीं किया? अरे नहीं, ये तुम सोच भी कैसे सकते हो कभी, मैंने तो जस्ट यूं ही बोला। तुम इस घर के बड़े बेटे हो, और अगर मैं तुम्हें यहाँ से बाहर लेकर गई तो लोग मुझे ही बदनाम करेंगे। लेकिन माँ का कहना यह है कि अगर हमें इस घर में रहना है तो हमें शादी करनी पड़ेगी। बिकॉज मैं उनकी सिचुएशन समझ सकती हूँ, उन्हें पड़ोसियों को जवाब देना मुश्किल हो गया है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग शादी कर लेते हैं। ठीक है, अगर इस वक्त यही सही है तो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज? लेकिन क्यों? समय इस घर के हालात तुम जानती हो, कोर्ट मैरिज करना ही बेहतर होगा। लेकिन कभी शादी बार बार नहीं होती है, और मैं शादी करूंगी तो सारी रस्मों के साथ। तो इतना शो ऑफ करने की जरूरत क्या है? क्योंकि कभी शादी मेरा ड्रीम है, और कोर्ट मैरिज मेरे लिए शादी नहीं है। मैं शादी करूंगी तो संगीत, मेहंदी, पंडित, फेरे सबके साथ। तुम अब मुझे मुश्किल में डाल रही हो, कौन करेगा ये सब अरेंजमेंट्स? तुम और तुम्हारे घर वाले। मतलब तुम्हारे पेरेंट्स से शादी में नहीं आने वाले? कबीर, मैं उनसे झगड़ा करके आई हूँ, वो लोग नहीं आएंगे। मैं इस घर में अकेला रह गया हूँ, मैं अकेले ये सब नहीं कर सकता। मैं हूँ ना कबीर तुम्हारे साथ, दूल्हा दुल्हन मिलकर शादी की तैयारियां करेंगे, ट्रस्ट मी। ओके।
से क्या देख रही हैं? वही देख रही हूँ जो दिखाने के लिए जानबूझकर तुम यहाँ खड़ी हो। क्यों? अच्छा नहीं है? जरूरी तो नहीं कि जो चीज तुम्हें अच्छी लगे वो मुझे भी पसंद आए। वो क्या है ना माम जी, कि हर किसी को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का मौका नहीं मिलता, बट मुझे फुल छूट मिली है तो बस मैं इंजॉय कर रही हूँ। हाँ वो तो दिख रहा है। और ये मॉम जी क्या होता है? मुझे मॉम जी कहकर मत पुकारो। बट आप मेरी होने वाली सासू माँ है। होने वाली? अभी हुई नहीं हूँ। कमान माम जी, मुझे लगता है कि आप अभी भी मुझसे नाराज हैं। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। नाराज तो अपनों से हुआ करते हैं। मैं मेरे बेटे से नाराज हूँ। क्यों? कभी ने मुझे पसंद करके कोई गलती की क्या? माँ बेटे के बीच की शिकायत को तुम्हें क्यों जानना है? मैं सिर्फ जानना चाह रही थी, मैं कौन होती हूँ माँ बेटे के बीच में आने वाली? काश के ऐसा होता। मतलब क्या है आपका? यही कि माँ बेटे के बीच तुम तो आ चुकी हो, बस ख्याल रखना हम दोनों के बीच फंस न जाओ, समझी? फंसेंगी तो आप माम जी, बेटे और बहू के बीच लट्टू बनकर नाचेंगे, क्योंकि अब इस घर में ठुमरी नहीं रॉक एंड पॉप गूंजेगा। अब आप सबके दिन जाने वाले हैं, क्योंकि मैं एक नई सोच लाने वाली हूँ।